रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई। तमाम मेरे वो तमाम दोस्त अहबाब, मैं परदेसी नहीं बोलता, जितने भी सऊदी अरब में बैठे हुए हैं, क्यों परदेसी, हम पाकिस्तान में होते हैं, यहाँ पर परदेसी नहीं है। अच्छा बहरहाल जी, एक तमाम मेरे तमाम दोस्तों के लिए और एक न्यूज़ है जी, ये क्यों शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ। मैंने एक पहले वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको इस चीज़ से आगाह किया था कि सऊदी अरेबिया में एक बंदे के ऊपर तकरीबन 10,000 रियाल का फाइन हुआ था और साथ में 2 साल की कैद भी सुनाई गई थी। गैर मुल्की को उसने एक दूसरे गैर मुल्की को किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी उसके साथ बदकलामी की थी, हालांकि सॉरी कोई किसी किस्म की भी कुछ गलत तस्वीर या वीडियोस नहीं, सिर्फ बदकलामी की थी और मैसेज भेजा था। वो जो अक्सर पता है आपको, पता है यहाँ पर ग्रुप बन जाते हैं, सऊदी में ग्रुप बने हुए हैं, लेबर का ग्रुप है, ये ट्रेलर ड्राइवर का ग्रुप है, ये आम जॉब्स का ग्रुप है। तो बहरहाल जी, वहाँ पर एक दूसरे दोस्त को उसने ऐसे कुछ मैसेज भेजे थे जिसकी बिना के ऊपर उसने केस किया था और काजी ने उसको 10,000 रियाल का तकरीबन तकरीबन जुर्माना और 2 साल की कैद सुनाई थी। अभी एक न्यूज़ मेरे सामने आई है, तमाम मेरे दोस्त अहबाब जो पाकिस्तानी, यार हमने जाहिर सी बात है एक दिन पाकिस्तान तो जाना ही है अपने घर में, तो आपके लिए भी सॉरी आपके लिए मैं ये न्यूज़ खास कर शेयर कर रहा हूँ। देखें, ये बंदे ने जो जुर्म किया वो भी आपको बता देता हूँ मैं। ये यहाँ पर आपको मैं ये दिखा रहा हूँ बड़ी करके, इसमें लिखा हुआ है जी FIA एमिग्रेशन की पेशावर एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई, ठीक है जी। ऑनलाइन जिंसी हरासगी में मुलव्वस मुल्ज़म को पाकिस्तान पहुँचने पर गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़म, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो भी उसने किया यार उसका वो फेल है, लेकिन किसी का नाम या पिक्चर नहीं वाजा करनी चाहिए, जो कि अच्छी बात है उन्होंने उसका चेहरा ब्लर किया हुआ है। अच्छा जी, फेसबुक पर खातून की नाजेबा तस्वीर शेयर की और मुलज़म ने मुतासरा खातून को व्हाट्सएप पर धमकी अमेज़ पैगाम भी भेजे। जाहिर सी बात है व्हाट्सएप के ऊपर उस खातून को उसकी पिक्चर वगैरह भी भेजी होंगी। मैं दो बातें करूंगा, वीडियो ख़त्म करेंगे। नंबर एक ये कि आपने जो परदेसी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो मेरे सॉरी दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, किसी से भी बात करें, आप अगर अपनी फैमिली के साथ भी बात कर रहे हैं तो सिक्योर रखें उस चीज़ को, पहली बात मैं ये करूँगा। नंबर दो, आप अगर खुदा ना ख्वास्ता इस चीज़ से हमें ये सबक मिल गया कि पाकिस्तान में भी अगर कोई बैठा हुआ है तो उसके साथ भी हमने कोई किसी किस्म की बदतमीजी या कोई किसी किस्म की गलत तस्वीर या वीडियो नहीं शेयर करनी है, हाँ अगर आपके साथ कुछ करता है तो आप उसकी शिकायत यहाँ पर काजी या पाकिस्तान एमिग्रेशन में FIR को भाई वो उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, उस बंदे से पूरी पूछगुछ होगी, ठीक है जी। ये तो होगी बात क्लियर कि कोई भी किसी किस्म की ऐसी तस्वीर या वीडियो या बदकलामी वगैरह वाले मैसेज पाकिस्तान किसी को नहीं भेजने हैं, अगर आपको भेजता उसे ब्लॉक कर दें, मेरा ये मशवरा है। अच्छा नंबर दो ये कि अभी इस भाई साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मेरी मैं एक बात सोच रहा हूँ कि देखें इस बंदे के पास जिसको गिरफ्तार किया गया है, खातून की कुछ नाजेबा तस्वीर फेसबुक के ऊपर शेयर की, उस खातून को व्हाट्सएप के ऊपर ब्लैकमेल, यानी कि कोई किसी किस्म के नाजेबा मैसेज या गलत जुबान इस्तेमाल की, ऐसे ही है जी। अच्छा बात यह है कि खातून का व्हाट्सएप इसके पास कैसे आ गया, जाहिर सी बात है खातून का व्हाट्सएप कैसे आ गया, खातून की कुछ नाजेबा किस्म की तस्वीर इसके पास कैसे आ गई, ये बात सोचने वाली है। FIR को भाई इस चीज़ के ऊपर भी गौर करना चाहिए कि इस बंदे को तो आपने पकड़ लिया, ठीक है, लेकिन इसके पास जो तस्वीर पहुंची हैं या व्हाट्सएप उस खातून का पहुंचा है, वो जाहिर सी बात है भाई आपस में अंडरस्टैंडिंग से पहुंचा है ना, मैं या आप, हम किसी को पिक्चर भेजकर क्यों नहीं भेज देते भाई, हाँ किसी के साथ हमारी गपशप अच्छी है, दोस्ती अच्छी है, हम उसको अपनी सेल्फी बनाकर भेज देंगे, या इससे आगे की जो मामला आता है फिर वो तो भाई दोस्ती गपशप से भी आगे के मामला चले जाते हैं। तो बात सिर्फ करने का मकसद ये था कि इसको पकड़ लिया, इसने जो सज़ा इसको होनी चाहिए, जाहिर सी बात है अगर आपकी दोस्ती भी थी, आपको चाहिए नहीं था उसकी कोई भी किसी किस्म की पर्सनल चीज़ें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर करता, लेकिन साथ में उसको भी रखना चाहिए जिसने इसको वो तस्वीर पिक्चर भेजी और बाद में जब कोई किसी किस्म के मामलात खराब हुए और इसने वो शेयर की और इस चीज़ के ऊपर इसको सज़ा मिली और वो इसको तस्वीर क्यों भेजी गई, वो भी इसके साथ बिल्कुल जितना इसका जुर्म है उतना ही उसका होना चाहिए। हाँ इसने शेयर की है, इसकी गलती है, लेकिन उसने इसको भेजी क्यों, ये इस चीज के ऊपर गौर करना चाहिए।